के श्री रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में, या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ले लीजिए, या उत्तर प्रदेश में बहन मायावती ले लीजिए, जब भी इनका सरकार आया तो इनके हक अधिकार की बात हुआ, इनके लिए काम हुआ। और जब इनका सरकार नहीं होगा, जिनका सरकार होगा वो अपने लिए काम करेगा। आज मैं आपके लिए क्यों काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं निशान का बेटा हूं। अगर मैं पंडित जी होता या राजपूत होता तो मैं आपके लिए क्यों बात करता? मैं आपके लिए इसलिए बात करता, अपने लोगों के लिए बात करता। तो इसलिए साथियों, आज जरूरी है कि आपका दल बन चुका है, आपको दलदल से बाहर निकलना है। और दलदल से बाहर कब निकलेंगे? जब पॉलिटिकल रूप से आप मजबूत हो जाएंगे, अपने वोट बैंक का ताकत समझ लेंगे। आज बताइए, यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं, सबके पास बैंक खाता होगा। अब बैंक खाता है तो आप पैसा डालते हैं, और जब जरूरी पड़ता आप निकालते हैं। अगर वही पैसा अगर दूसरे के खाता में डालेंगे, पड़ोसी के खाता में डालेंगे, तो क्या आप जब चाहेंगे तो पैसा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आप कभी लालू जी के पार्टी में दे देते हैं वोट, कभी बीजेपी में देते हैं, कभी लालटेन में देते हैं, कभी टेर में देते हैं, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? जिनके बैंक में देंगे उसी को लाभ मिलेगा। आज आपका दल बन चुका है, आज आपका दल बना, आप साथ दिए, चार विधायक बना और आप सरकार का हिस्सा बने। जितना हो सकता था उतने पूरे बिहार में हमने काम करने का काम किया। आपने हमें ताकत दिया, हमने आपके क्षेत्र में आपने विधायक बना के दिया। तो इसलिए साथियों, आने वाले पीढ़ी के लिए आपको लड़ाई लड़ना है। और इस क्षेत्र में समाज संख्या तो बड़ा है, लेकिन नेतृत्व करने वाला का अभाव है, समाज गरीब है। तो अभी हम लोगों ने नए सिरे से संगठन यहाँ पे खड़ा करेंगे। पार्टी के सभी साथी को कहूंगा कि मजबूती से इस जोन में हम हर महीना में अभी एक बार हम जरूर आएंगे। और आप लोग अलग अलग जगह पे कार्यक्रम रखेंगे, हम आएंगे, घूमेंगे, उनके बीच में जाएंगे और अपने लोगों को जागरूक करेंगे। आपने देखा वीरांगना फूलन देवी समाज के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उनकी हत्या कर दिया गया। पहले उनके साथ लोगों ने अन्याय किया, 10 साल जेल तक के आई, सजा तक के आई, उसके बाद भी लोगों ने उनका हत्या कर दिया। और आपने देखा होगा कि पिछले साल उत्तर प्रदेश में एक प्रतिमा तक लगने नहीं दिया। आज ये जिस तरीके से आपका समाज को देखा जाता है, इसलिए समाज को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। और जब काबिल होगा तो अपने पार्टी के बारे में समझेगा कि पार्टी का मतलब क्या होता है। और जब पार्टी का मतलब सब क्या समझ में आ जाएगा, दल के बारे में समझ में आ जाएगा, तो सरकार अपने हाथ में बना लेगा। और जब सरकार अपने हाथ में आएगा तो आपका आरक्षण लागू हो जाएगा। जब आरक्षण लागू होगा तो राज्य में 15% उसका लाभ आपको मिलेगा, सरकारी नौकरी में आप जाएंगे। जब सरकारी नौकरी देने का समय आएगा तो आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो नौकरी कौन करेगा? उससे पहले जरूरी है कि बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए और अपने आप को भाईचारा बना के रखिए। वोट के समय में लोग आएगा आपका वोट खरीदने के लिए, आपका 500-1000 रुपये में आपका वोट खरीदेगा। और वो वोट इसलिए खरीदता है क्योंकि जिंदगी भर आपको गुलाम बना के रखे। अपने दल के साथ रहिए। आज देखिए ना, उत्तर प्रदेश में दलित समाज, जो समाज कल क्या खाया उनको नहीं पता, कल क्या खाएगा वो भी नहीं पता है, लेकिन उस समाज से अगर पूछिएगा उत्तर प्रदेश में कि पिछले बार आपने वोट कहां पे दिया था, तो बताएगा कि मैंने हाथी पे वोट दिया था। उनको बताइएगा कि आगे किसको वोट दीजिएगा, तो बोलेंगे कि हाथी पे हम बटन दबाएंगे। और जब हाथी पे बटन दबाते हैं तो उनका सरकार बनता है। उसी तरीके से आपका पास भी अपना चुनाव चिन्ह आ गया 9-6, और आज पूरे बिहार में आपके पास जो ताकत हो किसी के पास नहीं। आजकल के अति पिछड़ा में 128 जाति है, हम खुद 22 पूरे हैं, आज हम 14-15% खुद हैं। और पूरे बिहार के अति पिछड़ा चाहता है कि निषाद समाज आगे बढ़े,
उनके हक अधिकार की बात हो। आज देखिए आपके पास 18% 36% रहने के बाद आपको आरक्षण कितना मिल रहा है। आज देखिए मोदी जी की सरकार है, उसके पीछे आरएसएस है, 96 साल पहले संगठन बनाया। आज देखिए 10% आरक्षण उन्होंने ले लिया, वो आरक्षण लिया उसका मैं विरोध नहीं करता। इस देश में राज्य में गरीब लोगों को सरकार का तरफ से लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ये क्या भैया, निशा समाज कोमा में आईसीयू में है लेकिन आप उसको इलाज नहीं करा रहे। निशा समाज 1 लाख रुपया कमाने वाला 8,000 का महीना 12 महीने में 96,000, 1 लाख भी नहीं कमाता उसको आप आरक्षण नहीं दे रहे, लेकिन 8 लाख कमाने वाला सामान्य वर्ग के लोगों का आरक्षण दे रहे हैं, वो भी 10%। आज हमारी लड़ाई है कि देश में जातिगत जनगणना कर लीजिए, जिस जाति का जितना संख्या है उसको उतना आरक्षण दे दीजिए, लेकिन ये भाजपा वाला करेंगे नहीं। जिनको पता चल जाएगा इस राज्य में देश में किसका कितना संख्या है, संख्या तो हमारा है लेकिन राज वो कर रहा है, तो आज ये जितनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ये कब साकार होगा, जब अपने आप में मजबूत हो जाएंगे। खास करके पिछड़ा से पिछड़ा दलित समाज सभी वर्ग के लोग गरीब लोग एक साथ होंगे। तो इसलिए साथियों आप लोग बड़े संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अलग अलग प्रखंड से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये संदेश लेकर जाइए और संगठन को मजबूत कीजिए। इस क्षेत्र में हमने 2-2 सीट हमने दिया, हमने कटिहार का भी 1 सीट लिया था बस बलरामपुर हमने लिया, आपकी तैयारी नहीं था, आप चुनाव नहीं जीते हार गए, हमने प्रत्याशी दिया आपने चुनाव तैयारी नहीं था इसलिए आप हार गए। अगर आज आपकी तैयारी होता तो सीट जीत लेते, आपका अपना विधायक होता तो खैर कोई बात नहीं है। अभी हम लोग 0 लेवल पे तैयारी करेंगे, 2015 में इस शहर में भी हमने सीट दिलाया था विजय साहब, लेकिन आप जीत नहीं पाए। आज जीतते तो आपका अपना विधायक होता, तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको भी काम करना पड़ेगा। आज मुकेश सहनी कोई शाहरुख खान नहीं दिखता है, जो पटना में बड़े बड़े नेता हमारे सामने में झुकता है वो आप हमारे साथ है इसलिए वो झुकता है, अगर आप हमारे साथ हैं तो वो झुकेंगे, और जब मेरे साथ आप रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई का अंजाम जीत होगा, और जीत होगा तो आपके आने वाले पीढ़ी का भविष्य बनेगा। इसलिए अभी जरूरी है कि नए सिरे से इस क्षेत्र में खास करके कटिहार पूर्णिया ये सब जिला में संगठन बनाइए और मजबूती से जो राजनीति आप लोग कीजिए, जिस तरीके से राजनीति दूसरे दल के लोग करते हैं वैसे आपको करना पड़ेगा। राजनीति जो है फोर टाइमर, आपको 24 घंटा इसमें काम करना है, आप वोट के टाइम में समाज के लोग काम करें, और जिसको राजनीति अगर करना है वो 24 घंटा आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दूसरे दल के लोग क्या करते हैं, कैसे राजनीति करते हैं, वैसे आपको भी करना पड़ेगा। जिस टाइम हमने आया आपने बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया, पूरा रोड पे होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाया, आज पूरे क्षेत्र को आपने बता दिया जिला को कि हमारा भी नेता है, और आज नेता हमारे यहाँ पे आए उसके स्वागत के लिए आप खड़े थे। इसी तरीके से आपको हमेशा करते रहना है, हर 1 महीना 2 महीना पे ऐसा करेंगे तब हर आदमी को लगेगा कि हाँ, और जिनको चुनाव लड़ना है वो मजबूती से तैयारी कीजिए और एक बोर्ड लगा दीजिए कि भावी प्रत्याशी, आप पहले दावेदारी तो पेश कीजिए। हम लोग दावेदारी भी पेश नहीं करते हैं, और विधायक चुनाव के टाइम में आ जाते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, अरे भैया आपने फॉर्मों नहीं भरा और डायरेक्ट आप चाहते हैं कि लड़ जाए, अब सब मुकेश सहनी थोड़े हो सकता है कि डायरेक्ट मंत्री बन जाए, आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। हम भी डायरेक्ट मंत्री बने तो ऐसे थोड़े बने, पिछले 7 साल से लगातार पूरे बिहार में खून पसीना बहा के एक एक जगह जाके कितना मेहनत कितना खर्च किया सब जाके हुआ, और आपके साथ ईमानदारी से रहा, आप शॉर्टकट मैंने कभी नहीं मारा, और शॉर्टकट मारता तो आज यहां नहीं पहुंचता। शॉर्टकट का मतलब हुआ जैसे हम आज बीजेपी का बात मान लेते, पार्टी विलय कर लेते, ये शॉर्टकट हुआ, लेकिन हमने कभी नहीं किया। तो इसलिए खास करके युवा संख्या यहाँ पे ज्यादा। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपए से 1200 रुपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें
और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।